हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गौरव क्रूक्स पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, क्लास 9, 11, 10 और 12 का प्री बोर्ड और 9, 11 का फाइनल एग्जाम। तो एक बहुत बड़ा नोटिस आया है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में, कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि के दृष्टिगत परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए दो विकल्प होंगे। विकल्प एक, ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होगा। विकल्प दो, विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र विद्यालयों से वितरित होंगे, जिसे विद्यार्थी घर पर हल कर विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने विद्यालय में जमा करेंगे। सभी शासकीय विद्यालयों में विकल्प दो अनुसार परीक्षाएँ आयोजित होंगी, जबकि अशासकीय विद्यालय विकल्प एक एवं दो में से किसी एक विकल्प के अनुसार परीक्षाएं आयोजित कर सकेंगे। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं एवं वार्षिक परीक्षाएं संबंधित बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE ICSE आदि के निर्देश के अनुसार आयोजित होंगी। यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन होने वाली हैं। इसका मतलब जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जो शासकीय विद्यालय वाले बच्चे हैं उनकी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो ऑनलाइन होंगे, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं एमपी बोर्ड से बच्चे उनके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन, यानी कि घर से बैठ के वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। बस उनको प्रश्न पत्र जो है स्कूल से लेके आना पड़ेगा और उसको लिख के जमा करना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं। बाकी 10 और 12 के लिए बहुत ज़रूरी है ये एग्ज़ाम्स। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।